हमने अभी तक ये देखा कि जब लाइट किसी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे टकराती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। कैसे? मैं मान लेता हूं कि ये एक इंटरफेस है, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक इंटरफेस है। इसके नीचे जो मीडियम है उसको हमने नाम दे दिया मीडियम वन। इसके ऊपर जो मीडियम है उसको हमने नाम दे दिया मीडियम टू। अब ये मीडियम्स कौन से हो सकते हैं, ये क्या मीडियम हो सकते हैं? दिस मीडिया कैन बी ये एयर हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडिया कौन से हैं? एयर हो सकता है, एयर के बाद वाटर हो सकता है, वाटर के बाद कोई सा ऑयल हो सकता है, कुकिंग ऑयल होता है, गियर ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, वो सभी ऑयल्स। देन ऑयल्स के बाद क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है। देन ग्लास हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है। तो हम इन मीडियम्स को जानते हैं कॉमनली, या फिर एक और लिख लेते हैं, हनी हो सकता है। हनी के भी आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से हैं जिनके आप आर पार देख सकते हो? तो आप कॉमनली अपने लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको कहां कहां पे दिख रहे हैं। आप जहां पे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम देखोगे वहां पे हमेशा रिफ्रैक्शन होने वाला है। ओके, सो ये सभी क्या है? ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जैसा मैंने यहां पे लिखा मीडियम वन और यहां पे लिखा मीडियम टू, ये मीडियम वन मीडियम टू कोई से भी दो मीडियम हो सकते हैं। कोई से भी दो कैसे? वो एयर और वाटर मान लीजिए, या एयर के साथ ऑयल ले लीजिए। मतलब एक ग्लास में मैंने ऑयल भर दिया तो ऊपर एयर है, नीचे ऑयल है। या वाटर और ऑयल ले सकते हैं। आप ये जानते हैं कि वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते, वो हमेशा सेपरेटेड रहते हैं। सो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक ग्लास में आप पानी भर दीजिए, पानी भर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। थोड़ा सा मीन्स इतना डालिए कि ऑयल एक मेजरेबल क्वांटिटी में रहे, थोड़ा सा दिखे। सो अगर आपने इतना पानी लिया है तो इतना सा ऑयल डाल दीजिए। तब आप देखेंगे कि ऑयल और वाटर के बीच में भी एक इंटरफेस बन जाती है। ऑयल और एयर के बीच में तो इंटरफेस दिखेगी ही, लेकिन ऑयल और वाटर के बीच में भी एक इंटरफेस आप दिखने लगेगी। नाउ ऑयल भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब भी लाइट रे ऑयल से वाटर में जाएगी या वाटर से ऑयल में आएगी, वहां पे रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। अभी हम ये समझते हैं कि एयर, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, ग्लास और हनी में से कोई भी दो मीडियम मैं इन दोनों को चूज कर लेता हूं। नाउ उसके बाद हमने एक लाइट रे को इस एक्स वाई मीडियम पे इंसिडेंट कराया। लेट अस सपोज दिस वन, कुछ इस तरह से ये लाइट रे इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई। दिस इज द इंसिडेंट रे। अब हमेशा आप याद रखें, जब भी लाइट रे किसी इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने से बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। तो दिस इज पॉइंट ऑफ, इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसा। दिस एम एन इज अ नॉर्मल टू द इंटरफेस। नाउ अभी हमने कहा कि ये मीडियम टू है, ये मीडियम वन है, इसका मतलब यहां पे रिफ्रैक्शन तो होना है। लाइट अपने पाथ से भटकेगी तो जरूर, लेकिन भटकेगी तो किस डायरेक्शन में? अभी तो लाइट का डायरेक्शन कौन सा है? इस वक्त लाइट का डायरेक्शन ये वाला है। क्या लाइट भटकने के बाद
इस तरफ जाएगी। क्या लाइट भटकने के बाद इस तरफ जाएगी? क्या लाइट ये वाला पाथ फॉलो करेगी? क्या लाइट ऐसी कैसी निकल जाएगी? क्या लाइट इस तरफ भटकेगी? ओके, क्योंकि लाइट तो कहीं पे भी भटक सकती है, और अगर जिस तरफ भी भटकेगी तो कितना भटकेगी? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये हमारे माइंड में आना चाहिए कि लाइट भटक तो रही है, लेकिन उधर जाएगी, इधर जाएगी, या सीधी जाएगी, किधर जाएगी? तो किधर तो जाएगी, और ये किधर का जवाब निकालने के लिए हमें कुछ एक टर्म समझना पड़ेगा। ये किधर का जवाब निकालने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, जिसे हमने कहा ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम इज डिफाइंड एज इट इज अ स्पेस वेयर लाइट कैन ट्रेवल। ऑप्टिकल मीडियम वो जगह है जहां पे लाइट ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि एयर। एयर को मैं कहूंगा कि एयर एक ऑप्टिकल मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ऑप्टिकल मीडियम है, बिकॉज लाइट कैन ट्रैवल इन एयर। सो आई विल डिफाइन ऑप्टिकल मीडियम एज अ सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल। तो क्या एयर में लाइट ट्रेवल कर सकती है? हाँ, तो एयर इज एन ऑप्टिकल मीडियम। सो हम यहां टिक लगाते जाते हैं कुछ सब्सटेंसेस लिख के। यस, एयर इज एन ऑप्टिकल मीडियम। क्या वाटर में लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस, तो वाटर भी क्या है? एक ऑप्टिकल मीडियम। ओके, देन क्या ऑयल में लाइट ट्रेवल कर सकती है? यस। हम ये कैसे पता लगाएं कि लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है या नहीं? आप सिर्फ उस मीडियम के आर पार देखने की कोशिश कीजिए। अगर किसी मीडियम के आर पार आपको दिखता है, इट मींस लाइट उसमें ट्रेवल कर सकती है, इट मींस वो मीडियम एक ऑप्टिकल मीडियम है। क्या ऑयल के आर पार हमें दिखता है? यस। सो वी विल से ऑयल इज व्हाट? यस, ऑयल इज आल्सो एन ऑप्टिकल मीडियम। क्या अल्कोहल के आसपास हम आर पार हमें दिखता है? यस, अल्कोहल के आर पार हमें दिखता है, सो अल्कोहल इज ए ऑप्टिकल मीडियम। ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं क्या? यस, ग्लास विंडो जो हमारे घर में रहती है, तो दैट वॉज अ मीडियम, सो इट वॉज एन ऑप्टिकल मीडियम, क्योंकि हम उसके आर पार देख पा रहे हैं। क्या हनी एक ऑप्टिकल मीडियम है? क्या हनी के आर पार हम देख सकते हैं? आप कहेंगे कि कुछ हनी ऐसे हैं जो नहीं देख सकते, जिनके पार कुछ हनी के आर पार देख सकते हैं, बट हम जनरल वे में बात कर रहे हैं। सो हनी क्या है? एक लिक्विड है जो कि ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, सो इट मीन्स हम हनी के आर पार भी देख सकते हैं, सो हनी इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल मीडियम। क्या वॉल एक ऑप्टिकल मीडियम है? क्या वॉल के अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है? नो, सो इट मींस वॉल इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडियम। और एग्जांपल्स लेते हैं वॉल के बाद, हम लेट्स से चौक। चौक, क्या ये चौक जो मेरे हाथ में है, क्या ये एक ऑप्टिकल मीडियम है? क्या इसके आर पार आप देख सकते हो? साइड से तो देख ही सकते हो, क्या इसके आर पार देख सकते? नहीं, ऑब्वियसली। तो इट मींस चौक इज आल्सो नॉट एन ऑप्टिकल मीडियम। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन ऑप्टिकल मीडियम वो जगह है जहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है, या जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। सो इट्स सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज वेरी क्रूशियल डेफिनेशन। So, हमने कहा कि ऑप्टिकल मीडियम तो हमें समझ में आ गया कि जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन हमें क्या, इसका यूज हमें कैसे है? सो इसका यूज है, अब हम समझते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम को हमने क्यों डिफाइन किया, हमें क्या क्या वजह है कि हमें ऑप्टिकल मीडियम वाले टर्म को डिफाइन करना पड़ा। इसके लिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन मैं एक बीकर अज्यूम करता हूं, एक ऐसा बीकर अज्यूम करता हूं। इस बीकर में इस वक्त मैंने
पानी भर दिया। इस वक्त मैंने इस बीकर में पानी भर दिया, इसमें वाटर है। नाउ अब आप इसके कुछ ऊपर हाइट से, थोड़ा सा ऊपर हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप कीजिए। क्या करें, थोड़ा सा ऊपर हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि कॉइन को जैसे ही आपने ड्रॉप किया, तो इस वक्त कॉइन कहाँ पे है, एयर में, कॉइन हवा में है। सो जैसे ही आपने कॉइन को ड्रॉप किया, कॉइन बड़ी तेजी से गिरते 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 इस इंटरफेस पे आके गिरेगा। गिरेगा ऐसा, यस गिरेगा। और गिरने के बाद क्या होगा, उछल जाएगा? नहीं, पानी के अंदर जाएगा। गिरने के बाद वो पानी के अंदर जाना शुरू कर देगा। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जिस स्पीड से वो एयर से वाटर की सरफेस पे गिरा, उस स्पीड से वो पानी के अंदर नहीं जा पा रहा है। पानी में जाते से ही उसकी स्पीड कम हो गई, वो स्लो मूव करने लगा। क्या आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं? यस, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। हम डे टू डे लाइफ में ऐसा देखते हैं कि आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें शहद डाला, नींबू डाला, कुछ और डाला और जलजीरा डाला, बहुत सारी चीजें आप पानी में मिला के पीते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें हम कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप शक्कर का एक दाना उसमें डाले तो हवा से वो ग्लास पे बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन जैसे ही इस इंटरफेस पे टकराएगा वो स्लो हो जाएगा। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि कॉइन की स्पीड हवा में ज्यादा है और पानी में कम है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। ओके, नाउ अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। सो मैंने कहा, लेट से एस ए डिफाइन करा मैंने, एस ए एयर, मैंने एक वर्ड डिफाइन किया एस एयर। एस एयर इज स्पीड ऑफ कॉइन इन एयर, ऐसा मैंने एक टर्म डिफाइन करा। नाउ फिर मैंने डिफाइन करा एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू को मैंने कहा स्पीड ऑफ कॉइन इन वॉटर। क्या कहा, एस डब्ल्यू इज स्पीड ऑफ कॉइन इन वॉटर। और कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ कॉइन इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कॉइन इन वॉटर। आई गेस सभी को क्लियर हो चुका है ये, स्पीड ऑफ कॉइन इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कॉइन इन वॉटर, ऐसा हमने कह दिया। नाउ ये कहने के बाद कि एयर में स्पीड ज्यादा है, वॉटर में स्पीड कम है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि वॉटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर। मैं ऐसा कहूंगा कि वॉटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर, मतलब वॉटर ज्यादा घना है। जैसा होता है ना, आप एक रोड पे भाग रहे हो तो आप तेजी से भाग सकते हो, लेकिन आप एक घने जंगल में जाते हो तो घने जंगल में जाते से ही आपकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आपके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। और अगर आप और घने जंगल में जाते हो तो क्या होता है, आपकी स्पीड और कम हो जाती है, और ज्यादा घने जंगल में जाते हो तो और स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। सो इट मींस जैसे जैसे जंगल घना होता जाता है, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी, दौड़ने की स्पीड भी कम होती जाती है। तो सेम यहाँ पे कॉइन के साथ भी हो रहा है। कॉइन के साथ क्या हुआ, कॉइन बड़ी आसानी से इंटरफेस तक गिर गया, लेकिन इंटरफेस के नीचे जैसे ही वाटर आया उसकी स्पीड एस डब्ल्यू हो गई, जो कि एयर की स्पीड से कम है। तो बहुत तेजी से गिरते हुए यहां तक आया और यहां से स्लो 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 गिरते हुए यहां तक गया, बिकॉज वॉटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि वॉटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर। या फिर मैं इसको घुमा के ऐसा कह सकता हूं कि एयर इज अ रेयरर मीडियम देन वॉटर। डेंसर मतलब घना, जैसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, घने जंगल, उसी तरह से
रेयर फॉरेस्ट मतलब जो कम पेड़ है, जहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े बहुत पेड़ है। सो रेयरर मतलब खाली 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 एरिया। सो रेयर क्या है, वो रेयरर मीडियम है, और वाटर क्या है, वो एक डेंसर मीडियम है। तो इसको मैं दो टर्म्स में कह सकता हूँ कि वाटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर, ओके, या वाटर इज डेंसर देन एयर एंड एयर इज अ रेयरर देन वाटर। सेम ही मीनिंग है, लेकिन घुमा के बोल दिया। ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें कंफ्यूज करेगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली कि वाटर क्या है, एक डेंसर है एयर से, और एयर क्या है, रेयरर है। अच्छा नाउ, अब मैंने यहाँ पे इस वक्त पानी लिया था, क्या मैं और कुछ ले सकता हूँ? लेट से हम हनी को ले लेते, हम शहद डाल देते। तो एक ग्लास में मैंने क्या करा, मैंने इतना शहद भर दिया, और ऊपर तो एयर है। अब जैसे ही मैं कॉइन को ड्रॉप करूंगा, तो अगेन हवा में तो वो कॉइन उतनी ही स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि हवा में तो पानी था नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या है, उसको तो सिर्फ यहाँ पे हवा दिख रही है। तो इसका मतलब कॉइन हवा में तो उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा, लेकिन जैसे ही इंटरफेस पे टकराएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे हनी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो अब आप सोच के बताइए कि क्या पानी में स्पीड ज्यादा होगी या हनी में स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली उसकी स्पीड पानी में ज्यादा होगी, हनी में कम होगी। वाई? बिकॉज हनी ज्यादा गाढ़ा है, आपने देखा होगा हनी क्या है, ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा, या मीन्स कहें हम हनी इज मोर डेंस कंपेयर टू वाटर। सो वी विल से हनी इज अ डेंसर मीडियम कंपेयर टू वाटर, या फिर ऐसा कहें वाटर इज अ रेयरर मीडियम कंपेयर टू हनी। अब हमारे पास तीन मीडियम है, कौन सा, एयर, वाटर और हनी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हनी जो है वो वाटर और एयर दोनों से गाढ़ा है, दोनों से ज्यादा डेंस है। वाटर और एयर जो है वो हनी से ज्यादा रेयरर है। ओके, इसी तरह से हम तीनों मीडियम्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ, अब ये तो हमने डिफाइन किया एक कॉइन की स्पीड के बेसिस पे कि एक कॉइन किस तरह से पानी में या किसी और मीडियम में गिरेगा, तो किस तरह से वो पानी के नीचे जाके बैठेगा। सेम कुछ इसी तरह से लाइट के साथ भी होता है। लाइट के साथ भी बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है। क्या कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड में बदलाव होता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यू कैन नोट दिस। सो हमने अभी कहा कि कॉइन की स्पीड जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे मीडियम जो है वो घना होता जाता है। तो अपन ने कहा कि कॉइन की स्पीड वाटर में जितनी थी, एयर में उससे ज्यादा थी, तो एयर की स्पीड से वाटर में आने पे कम हो गई, इसका मतलब वाटर इज अ डेंसर। लेकिन एयर से अगर हम हनी पे आए, तो स्पीड और ज्यादा कम हो गई, इट मीन्स हनी इज डेंसर देन वाटर। ओके, सो इसी तरह से अगर हम लाइट की बात करें, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा हमने कहा था कि लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन वहां पे हमने ऐसा नहीं बताया कि ये स्पीड लाइट की कहाँ पे है। क्या ये लाइट की स्पीड दीवार के अंदर है? नहीं, क्योंकि वहां तो लाइट जा ही नहीं सकती। तो ये स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब जब लाइट हवा में ट्रेवल करती है, तब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। नाउ हमने ये देखा कि लाइट की ये स्पीड एयर में है, और एयर क्या है, एक ऑप्टिकल मीडियम। वही हमने लाइट की स्पीड पानी में मेजर करने की कोशिश की, एक एक्सपेरिमेंट करा जिससे हमने पानी में एयर की लाइट की क्या स्पीड होनी चाहिए उसे मेजर किया, और मेजर करके ये पाया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 2.25 × 10⁸
meters per second. So this is very important observation. क्या कि light की speed water में आते से ही 2.25 × 10⁸ हो गई. यहाँ पे 3 × 10⁸, 3 यहाँ पे 2.25 × 10⁸. It means light जैसे ही water के अंदर enter करती है उसकी speed कम हो जाती है. सेम उसी तरह से जैसा कॉइन के साथ हुआ था. सो क्या हम कह सकते हैं कॉइन के टर्म्स में हमने क्या कहा था? कॉइन के टर्म्स में हमने कहा था कि वाटर इज अ डेंसर मीडियम कंपेयर्ड टू एयर. लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम स्पेसिफिकली लाइट के बारे में बात कर रहे हैं. हमारा पूरा डिस्कशन किसके ऊपर है? लाइट के ऊपर. सो वी विल से वाटर इज, यहां पर लिखते हैं, is optically denser. Then air. हम कह सकते हैं कि water is optically denser than air. Why it is? Because water is also an optical medium, air is also an optical medium. और हम स्पेसिफिकली लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी मीडियम को जब डेंसर या रेयरर बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली डेंसर है. ऑप्टिकली मतलब लाइट के माध्यम से, कि मैं लाइट के नजरिए से देखूं तो लाइट किस तरह से देख रही है? लाइट देख रही है कि एयर में तो मैं इतनी स्पीड से भागूंगी, लेकिन पानी में जाते ही मैं मेरी स्पीड कम कर दूंगी. इट मीन्स लाइट के नजरिए से वाटर क्या है? वाटर एक डेंसर मीडियम है. ओके, ऑप्टिकली डेंसर. ओके, नाउ अब जैसा हमने कहा था कि वाटर इज डेंसर देन एयर एंड एयर इज रेयरर देन वाटर, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर. अगेन, क्योंकि हम स्पेसिफिकली लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ऑप्टिकल वर्ड यूज करना पड़ेगा. जस्ट ऑप्टिकल वर्ड, एक वर्ड ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ फिर हमने ये देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में 3 × 10⁸ है, बहुत बढ़िया. फिर हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो 2.25, मतलब डिक्रीज हो गई. और उसके बाद हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट ने ये देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, इसका मतलब ग्लास क्या है? ग्लास में तो 2 हो गई, एयर में तो 3 थी, तो ग्लास इज डेंसर देन एयर, एयर इज रेयरर देन ग्लास. लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं तो क्या वाटर और ग्लास का इंटरफेस बनाया जा सकता है? यस बिल्कुल बना सकते हैं. आप एक ग्लास ले लें, मतलब जो अपना पानी पीने का ग्लास होता है वो कांच वाला, ओके, ग्लास का, उस ग्लास में आप पानी भर दीजिए. नाउ फिर अगर आप उसको साइड से देखोगे तो साइड से देखने पे आपको क्या दिखेगा? कि अंदर पानी है, फिर ग्लास है, फिर एयर आ रही है. सो इट मींस पानी और ग्लास के बीच में भी एक इंटरफेस वहां पे बन रहा था. इसका मतलब वहां पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था, बिकॉज दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है. तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड को, मतलब मैं वाटर और ग्लास में भी कंपेयर कर सकता हूं. So, मैं लाइट की स्पीड वाटर और ग्लास में भी कंपेयर कर सकता हूं. सो व्हाट आई कैन राइट, इसमें देखते हैं. चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है? 2.25. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 2 × 10⁸. सो यहां पे 2.25, यहां पे 2, तो कौन डेंसर हुआ? जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर होगा. सो इसका मतलब ग्लास में लाइट की स्पीड कम है, सो ग्लास इज डेंसर. सो आई कैन राइट ग्लास इज optically denser than water.
पानी से ज्यादा घना है ग्लास, पानी से ज्यादा डेंस है. ओके, एंड ग्लास एंड एयर, यस यू कैन से कि एयर इज रेयर और ग्लास इज डेंसर. ओके, सो ऑप्टिकल मीडियम को हमने समझने की कोशिश करी. हमने ये समझा कि ऑप्टिकल मीडियम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और कुछ नहीं. राइट का एक रिफ्रैक्शन नाम की चीज होती है, जब भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे लाइट आके गिरती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है. नाउ अब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि रिफ्रैक्शन की वजह क्या है, रिफ्रैक्शन की एक्चुअल में वजह क्या है. तो रिफ्रैक्शन की एक्चुअल में वजह ये क्या, लाइट की स्पीड. जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड में चेंज आने की वजह से वो अपने पाथ से भटक जाती है. आप खुद सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, तो आप अपने नेचुरल पाथ पे जिस पे चल रहे हो उससे आप भटक जाओगे, थोड़े से टिल्ट हो जाओगे. सेम वही चीज लाइट के साथ भी होती है कि किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते से ही वो अपने अपनी स्पीड खो देती है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है. तो स्पीड में जो चेंज आ रहा है उस चेंज की वजह से लाइट का पाथ बदल जाता है. ओके, सो रीजन फॉर रिफ्रैक्शन इज व्हाट, लाइट रिफ्रैक्शन का रीजन सिर्फ यही है कि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन द रिफ्रैक्शन. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट. टिल देन आप सिर्फ अपनी जो भी किताब आप रेफर करते हैं उस किताब के फर्स्ट कुछ इनिशियल पेजेस को एक बार रीड कर लीजिए, और एल्स रिवाइज दीज नोट्स. यहाँ पे ये नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है, सो यू कैन नोट दिस, एंड थैंक यू.